हेलो, आज का विषय है RDW यानी कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ रिपोर्ट, जो CBC ग्राफ रिपोर्ट के साथ मिलता है, उसका क्या महत्व है? पहले यह जानते हैं कि RDW का क्या महत्व है। RDW से यह जानकारी मिलती है कि RBC के ग्राफ में लाल रंग के नॉर्मल सामान्य कोशिका यानी कि सेल्स है या और भी एबनॉर्मल यानी कि असामान्य सेल्स है कि नहीं। RDW रिपोर्ट MCV, MCH, MCHC के साथ मिलाकर डॉक्टर यह तय कर सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह की अनीमिया की बीमारी है। RDW रिपोर्ट दो तरीके से दिया जाता है, ज़्यादातर तो RDWCV और RDWSDV। आप CV और SD के बारे में जानकारी के लिए हमारा लेविजेनिंग ग्राफ चार्ट का वीडियो जरूर देखें और हमारे MLT बुक में 170, 172 पन्ने पर चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें भी जानकारी दी है। अब यह लाल सेल्स के चार RDW डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके देखो। पहले तो ये नॉर्मल प्लॉट देखो, इसमें छोटे सेल्स और बड़े सेल्स शामिल नहीं है, यह एकदम संतुलित नॉर्मल प्लॉट है। अब यह प्लॉट देखो, इसमें छोटे लाल पेशी माइक्रोसाइट्स काफ़ी हैं और प्लॉट दाहिने तरफ चला गया है, यह होता है माइक्रोसाइटोसिस में। फिर यह प्लॉट देखो, इसमें बड़े लाल पेशी बड़े संख्या में मौजूद है तो प्लॉट बाईने तरफ राइट हैंड साइड में चला गया है, तो यह केस है माइक्रोसाइटोसिस की। अब यह चौथा प्लॉट देखो, इसमें छोटे सेल्स नॉर्मल सेल्स और बड़े सेल्स भी शामिल हैं, इसे डायमॉर्फिक प्लॉट कहा जाता है। अभी ये देखिए, जब हीमोग्लोबिन कम हो और MCV, MCH और MCHC भी कम हो तब रोग का निदान होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या थैलेसीमिया माइनर, तो तभी RDW का रिपोर्ट काम आता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में RDW का रिपोर्ट 15 के ऊपर ही होता है और थैलेसीमिया माइनर ट्रेट में RDW का रिपोर्ट आता है 10 और 15 के दरमियान। फिर यह प्लॉट देखो, इसमें बड़े लाल पेशी बड़े संख्या में मौजूद है तो प्लॉट बाईने तरफ राइट हैंड साइड में चला गया है, तो यह केस है माइक्रोसाइटोसिस की। जब हीमोग्लोबिन कम हो और MCV, MCH, MCHC भी ज़्यादा हो और RDW 15 से ऊपर हो तो यह दर्शाता है कि यह केस मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की है। और नॉर्मल MCV, MCHC और RDW जब 15 से भी ज़्यादा होता है तो शायद ये केस हीमोलाइटिक अनीमिया की हो सकती है। मुझे आशा है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो। अगली बार हम आपके लिए फिर लेके आएंगे एक हिस्टोग्राम हीमेटोलॉजिकल ग्राफ पर और एक वीडियो। थैंक यू वेरी मच।